अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मौसम चेंज हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज बड़ा दिल कर रहा था आलू को भी पकाने का, तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मलाई आलू गोभी विद चपाती। झटपट तैयार करूँगी इसको प्रेशर कुकर में। इसके लिए जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो हैं 1 किलो आलू गोभी, और इसमें आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने काट ली है, लहसुन अदरक मैंने इस क्वांटिटी में लिया है, ये देखिए ये लहसुन पूरा और ये अदरक, क्योंकि आलू भी बाती होते हैं और गोभी भी। इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है, गरम मसाला, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और इसमें 3 हरी मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च। तो आइए चलते हैं इसके प्रेपरेशन की तरफ। सबसे पहले इसमें जाएगी ये कटी हुई प्याज। ये देखिए इस प्याज को मैं ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करूँगी। देखिए मेरी प्याज इसमें फ्राई हो रही है और लाइट ब्राउन होने वाली है। इसमें डाल देकर अब इसमें ये टमाटर, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पानी में अच्छी है मैंने अब इस मसाले को मैं अच्छी तरह पका लेंगे। इसमें फिर टमाटर भी अच्छी तरह डाल दें, अच्छी तरह इसको भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये मसाला भून के तैयार हो चुका है। इसमें मैं आलू गोभी दोनों ऐड करूँगी। आप ये देखिए मैंने आलू गोभी इसके अंदर ऐड कर लिए। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसमें अच्छी तरह भून लूँगी ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए जनाब इस वक्त इसमें आलू को भी भून रहे हैं। इसको मैंने 5 से 10 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। मैं गरम मसाला अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी, जब ये गल जाएगी तब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर पर रखना है। ये देखिए बस तकरीबन 1 प्याली के करीब पानी डाला है मैंने। और मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर पर रखूँगी। ये
ये देखिए जनाब गोभी इसके ऊपर मैंने प्रेशर पर रख दिया है और साथ मैंने पतली पतली चपातियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। देखिए जनाब इस वक्त आलू और गोभी परफेक्टली गल चुके हैं, देखिए आलू भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला एक चम्मच, और मैंने इसमें एक चम्मच गरम मसाला ऐड किया और इसमें इसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए इसमें गोभी बिल्कुल मुलायम हो गई है। इसलिए मैंने इस आलू गोभी को मलाई आलू गोभी का नाम दिया है। ये देखिए गोभी हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है और घी बाहर आ चुका है। ज़बरदस्त सा मलाई आलू गोभी रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें सब धनिया ऐड करूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये देखें जी ज़बरदस्त आलू गोभी रेडी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए जी मज़ेदार आलू गोभी और चपाती, मेरा प्लेटर इस वक्त रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।